मैंने मेरे को बहुत ही हमेशा मेरे को सिखाया है कि हार नहीं मानने का, कौन सी भी चीज हो जी सर, दूसरे को साबित करके दिखाओ नहीं तुम बेस्ट हो। जी सर, ये जो मोमेंट है मेरे में बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं हार नहीं मानता कभी, कोई भी चीज मेरे साथ गलत हो, क्योंकि मेरा हम कभी कभी सिलेक्शन ना हो तो जी कभी सर, कभी इंजुरी की वजह से हम गेम से बाहर हो जाते हैं। नमस्ते सर एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम इन द थर्ड एपिसोड ऑफ द खो टॉक। और आज हमारे साथ है भारतीय टीम के कप्तान आनंद फोगाटे सर। इन्होंने भारतीय टीम को कप्तानी करते हुए बहुत सारे गोल्ड मेडल जिताए हैं। सर ने सब जूनियर, जूनियर, नेशनल, इंटरनेशनल तथा सभी प्रारूपों में भारतीय टीम को आगे बढ़ाया है और गोल्ड मेडल जीता है। सर सर के कप्तानी में हम लोग 13 साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि नेपाल में खेला गया था सर। और सर ने एशियन खोखो चैंपियनशिप भी जीता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और सर के जीवनी, आगे की कहानी जानते हैं। तो सर आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। सभी को मेरा प्रणाम। मैं खो-खो खेलना स्टार्ट किया था और मेरी जो स्कूल है गोविंद राव हाई स्कूल, वहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम खो-खो देखा। तो वहाँ पे जाके मेरे जो फ्रेंड्स और जो मेरे भाई लोग थे, उन्होंने मुझे खो-खो के ग्राउंड पे लेके गए, जो भी मेरा भी होम क्लब है 11 संघ करके, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस के लिए जाने लगा। तो शुरू शुरू में फ्रेंड्स के साथ ऐसे मस्ती करके जाता था, बट बाद में बहुत ही मैंने दिमाग में ले लिया खो खो, और आज इतना खो खो की वजह से सब कुछ ये हुआ है। तो एक नॉर्मली एक खेल खेल में खो खो को स्टार्ट की और एक अंतरराष्ट्रीय और महान खिलाड़ी बने सर। हाँ, कैसा है, जैसे मेरे जो भी सीनियर थे उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली, और मेरे जो आई बाबा है उन्होंने ही मुझे इंस्पिरेशन मिली, और मेरे जो ग्राउंड के सर है उन्होंने यहाँ तक आने में मेरी बहुत हेल्प की है। जी तो मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और साथ में जो भी एसोसिएशन है अपने भारतीय खो खो महासंघ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने देश का नाम रोशन कर सकें। सर, तो सर अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि एक छोटे से जब बच्चे थे उसी समय से आप खो खो स्टार्ट किए, और कैसे कैसे आप खो खो एक नॉर्मल फन के रूप में स्टार्ट किए थे और आगे खेलते गए। शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि इस खेल में क्या खेल बहुत मजा आता था, खेलते खेलते शुरू शुरू में फन ही रहता था। तो बाद में एक ऐसा मोमेंट आया कि जब गेम में बहुत ही सीरियसनेस मैंने लिया, जी और सर, बाद में जाके अचीवमेंट बढ़ती गई। जी सर, जी सर। तो सर उस अचीवमेंट तक पाने के लिए आपको बहुत सारे स्ट्रगल को भी झेलना पड़ा और बहुत सारे कठिनाइयों को भी झेलना पड़ता है। तो उस सब को आप कैसे हैंडल किए और कैसे अपने आप को तराशे एक होनहार और एक बेस्ट प्लेयर को बनाने के रूप में। स्ट्रगल तो सर बहुत किया है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी शुरू में, तो शुरू शुरू में बहुत ही दिक्कत आती थी कि पापा ने तो बिल्कुल मना ही किया था खेलने के लिए, और मैं पापा को बिना बताए ग्राउंड जाता जी सर, था लगातार ऐसा एक 2 साल में। घर में सिर्फ मैं मेरे आई को बताता था, और आई ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जी सर, सिर्फ मैं आँख से आई को इशारा करता था कि मैं ग्राउंड जा रहा हूँ,
और पापा को बोलता था कि फ्रेंड के घर स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं तो खेलने के लिए जा रहा हूँ ऐसे पता चला बताता। बाद में फिर ऐसा एक मौका आया कि सब जूनियर में हमारे जो स्टेट चैंपियनशिप थे मैं स्कूल की टीम में सिलेक्ट हो गया। फिर पापा से मेरे एक सर ने परमिशन ले ली, फिर उसके बाद पापा ने परमिशन दे दी खेलने के लिए। तो वो जो पीरियड था वो मेरे लिए बहुत ही कठिनाई का पीरियड था कि उस टाइम मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया, ठीक है। तब वो मोमेंट मेरे को नहीं मिलता तो आज ये दिन मुझे देखने नहीं मिलते। जी सर। और एक हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हुए जब बताया जाता है कि आपको पढ़ाई लिखाई करके अच्छे ऑफिसर बनना है, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना है, उसके बावजूद भी गेम को आगे कंटिन्यू करते हुए इतना अच्छा अचीवमेंट, बहुत ही एक प्रेरणा स्रोत है आप सर। धन्यवाद। तो सर अब आगे बढ़ते हैं और अब आपसे पूछते हैं कि सर आपका पसंदीदा स्किल कौन सा है सर? पसंदीदा स्किल जजमेंट कॉल एंड स्काई डाइव। स्काई डाइव, आपके स्काई डाइव के फैन तो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तक भी है, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में श्रीलंकन प्लेयर केलम आरागोटा सर से बात किए थे, उन्होंने भी बताया कि अनंत फोकाडे सर हमारे बेस्ट प्लेयर हैं और उनका स्काई डाइव मजा आता है देख के। थैंक यू। और भी क्वेश्चन है हमारे पास सर। सर आपके कोच कौन है और वो आपको कैसे ट्रेनिंग देते हैं सर? मेरे को हमारे 11 संघ के प्रकाश माने सर है और वहाँ पे तो डेली मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम प्रैक्टिस रहती है। तो शुरू शुरू में जो हमारी टीम थी उस टीम में मैं तो इतना नया खिलाड़ी था, सर ने जब मैं सर के पास प्रैक्टिस करने के लिए गया मैं बिल्कुल नया था। सर ने उस टाइम मेरे को तो ऐसे 12 में भी नहीं लेते थे, बट उस टाइम मैंने मेहनत की और सर को भी इम्प्रेस किया गेम में। और एक वक्त ऐसा आया कि फिर सर ने फिर मेरे को अच्छी प्रैक्टिस दे दी और पे फोकस ज़्यादा किया। पहले तो मेरे को अटैक बहुत अच्छा लगता था, बाद में मैंने सर ने मेरे को डिफेंस में बहुत अच्छी स्किल बताई तो उसी का फायदा हो के और गेम में उसी स्किल का मुझे बहुत ही फायदा हुआ। और बाद में अभी फिर उसके बाद ऑलराउंडर के रूप में मैं आगे बढ़ता गया। जी सर। और अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। सर कोई भी टूर्नामेंट को आप कैसे तैयारी करते हैं, किस तरह का डाइट प्लानिंग रखते हैं और किस तरह का दिनचर्या का उपयोग करते हैं जो एक अच्छे परफॉर्मेंस दे सके आप टूर्नामेंट में? जब ये टूर्नामेंट रहता है तो मैं पहले टूर्नामेंट का वक्त देखता हूँ, कितने दिन में हमारा टूर्नामेंट है, तो मैं स्पिरिटाइजेशन बनाता हूँ खुद का कि उसी टाइम में अपने को गेम में क्या सुधार लाना चाहिए और क्या करना चाहिए। मीन्स अभी एक महीने में टूर्नामेंट है तो मैं एक महीने का अपना खुद का शेड्यूल बनाता हूँ कि एक महीने में मेरे को क्या क्या रिकवरी करना है, वेट हो, डाइट हो और परफॉर्मेंस में स्किल डेवलपमेंट हो और जो भी आप हमारे गेम में गलतियां हो रही है मेरे से वो जो कमी करने की मैं पूरी प्लानिंग करता हूँ और शेड्यूल वाइज करता हूँ। मीन्स एक वीकली प्लान करता हूँ, उसके बाद सेकंड वीक का, थर्ड वीक का और फोर्थ वीक का, एक महीने में जो भी शेड्यूल रहता हो। जी सर। तो अब अगला क्वेश्चन कितना बढ़ते हैं सर, आप उस फीलिंग्स को कैसे फील किए थे जब आप भारतीय टीम के कप्तान घोषित किए गए थे और उस समय आपका कैसा एक्सप्रेशन था, कैसा फील कर रहे थे आप? पहले तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था वो, जिंदगी में हम कभी भूल नहीं सकते क्योंकि अपने आप में एक छोटे से गांव से और यहाँ तक का सफर जो रहा है वही स्ट्रगल पूर्वक रहा है और वो जो मोमेंट था वो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा मोमेंट था। जब फेडरेशन ने मेरा नाम कप्तान बन के घोषित किया तो वो एक मोमेंट रहता है ना कि इतने खुशी भी रहती है और वो जिम्मेदारी भी आती है।
बहुत ही प्राउड मोमेंट रहता है और एक खिलाड़ी के लिए, और इसे बड़ा कोई अपने आप में गौरव हो ही नहीं सकता। जी सर। तो सर और आप एक और सर क्वेश्चन है, इसी से अटैच क्वेश्चन है कि जब आपने साउथ एशियन गेम्स में 13 साउथ एशियन गेम्स जो कि नेपाल में खेला गया था, उस समय जब आप तिरंगा फहरा रहे थे, उस समय आप कैसा फील कर रहे थे? पूरे स्टेडियम आपको देख रहा है, आप गोल्ड मेडल विनर हो सर। जैसे कि आपने जैसे बोला, जो तिरंगा अपने देश की शान है, वो जैसे तिरंगा हाथ में आता है तो अभी भी देखो आप मेरे रोंगटे खड़े हुए, तिरंगा का नाम लेते ही सिर्फ रोंगटे खड़े होते हैं। तो वो जो मोमेंट था कि एक प्लेयर की लाइफ में सबसे बड़ा मोमेंट रहता है कि तिरंगा अपने हाथ में हो। जो भी कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, ऑफिसर हो, वो तिरंगा हाथ में नहीं रह सकता। एक खिलाड़ी सिर्फ वो तिरंगा जीतने के बाद पीछे लहरा सकता है, तो वो खिलाड़ी के लिए ही वो बहुत बड़ा मोमेंट रहता है। जी सर। तो सर अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आप कौन सा मंत्र यूज करते हो जो कि आपको एक मोटिवेट करता होगा सर? आई बिलीव, मैं खुद पे बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ और मेरी गेम पे मेरा पूरा भरोसा रहता है हमेशा, और जो मेरे पास जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे को हमेशा एक मोटिवेट रहा है। कितना भी कुछ लाइफ में कितने भी कठिन मोमेंट आए, तो गेम ने मेरे को बहुत ही हमेशा मेरे को सिखाया है कि हार नहीं मानने का, कौन सी भी चीज हो दूसरे को साबित करके दिखाओ नहीं तुम बेस्ट हो। ये जो मोमेंट है मेरे में बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं हार नहीं मानता कभी, कोई भी चीज मेरे साथ गलत हो, क्योंकि मेरा हम कभी कभी सिलेक्शन ना हो तो कभी कभी इंजुरी की वजह से हम गेम से बाहर हो जाते हैं, तब वो इंजरी का जो मोमेंट रहता है वो खिलाड़ी के लिए बहुत ही स्ट्रगल पूर्वक रहता है। तो उस टाइम खुद को मोटिव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर गेम में टिके रहना है तो वो इंजरी से भी और जो खुद का अंदर का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा के ही आगे बढ़ना चाहिए। जी सर, सेल्फ बिलीफ से हम लोग दुनिया जीत सकते हैं सर, वो कहते हैं आत्मविश्वास ही अपनी ताकत है सर। ये सर, तो अब अगला एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है सर। सिचुएशन बेस्ड है, जैसे कि आप एक बहुत ही एक मेन फाइनल मैच खेल रहे हैं, उसमें आपके टीम को एक पॉइंट चाहिए और लास्ट मिनट है, आप चेजिंग कर रहे हो, और उस टाइम में आपने एक बहुत ही शानदार स्काई डाइव लगाया और वो आप जानते हो कि आप अपोनेंट का टी शर्ट टच किए, लेकिन अगर अंपायर और रेफरी आउट नहीं दे रहे तो आप उस समय क्या बिहेव करोगे, क्या रिएक्शन रहेगा आपका? एक तो रिएक्शन बचा हुआ आपके पास सर। नहीं, वो तो रिएक्शन एक मिनट में बचा है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट विकेट है तो मैं पहले विकेट मारने के लिए जाऊंगा, फिर वो आउट होने के बाद अंपायर से अपील करूंगा कि मैंने आउट किया है, और वो जो हमारे मोमेंट था वो विनिंग मोमेंट रहता है, इसलिए वो उस विकेट की अहमियत हम लोग जानते ही, एक खिलाड़ी जानता है कि ये मैच ये विकेट मारने से हम जीत सकते हैं। तो मेरे से जितना होगा उतना मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो विकेट मारूं। जी सर, और वो एक शानदार टाइप भी है, ये भी एक पॉइंट रहता है सर। हाँ, वो तो डाइव तो हमेशा फेवरेट ही रहा है, और डाइव मार के विकेट मारना एक एनर्जी देता है सर गेम में बने रहने के लिए। ठीक है, अपने आप में एक एनर्जी और बहुत कॉन्फिडेंस देता है। जी सर, तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। सर अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ बोला जा रहा है कि इस गेम को लेके उतना फ्यूचर स्कोप नहीं था, इस गेम को लेके जॉब नहीं था, इस पे आपका क्या राय है? नहीं, शुरू में मेरे को भी ऐसे लगता था कि मेरे को लगता था कि अरे हम खेल रहे हैं लेकिन हमको जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या अभी खो खो में बहुत सारे बदलाव लाई है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, और हमारे जो फेडरेशन है बहुत अच्छा काम भी कर रही है खिलाड़ी के लिए। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी गवर्नमेंट कोटे में खो खो को शामिल किया है वैकेंसीज में,
उसका फायदा प्लेयरों को हो सकता है। अभी पोस्ट में निकल रही है, इनकम टैक्स में निकल रही है, सारे जगह खो खो खिलाड़ी को ले रहे हैं, पुलिस में है, रेलवे में है। पहले तो हाँ, मेरे हमारे जो सीनियर थे उनको उस टाइम थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी कम था, बट अभी खो खो को बढ़ावा ज़्यादा मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी। तो मेरा अभी फ्यूचर के आने वाले सभी प्लेयरों का भविष्य उज्जवल ही रहेगा, क्योंकि खिलाड़ी को जॉब मिल रहा है। जॉब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जॉब हो सकता है तो वो आगे करियर भी कर सकता है, खेल भी सकता है अच्छे से। और अल्टीमेट खो खो स्टार्ट होने से इसमें एक और ही अलग प्रकार का ऊर्जा आया है सर। अल्टीमेट खो खो आने से तो बहुत ही हम तो सब वेट कर रहे हैं कि अल्टीमेट खो खो कब आए और खेले, क्योंकि जो बाकी के खिलाड़ियों को जैसे आईपीएल हो, प्रो कबड्डी हो, ये जो इन खिलाड़ियों को जो फेम मिला है लीग की वजह से, वो खो खो खिलाड़ियों को भी आगे जाके मिलेगा। तो हाँ, यही है कि जल्दी से जल्दी हो जाए। अभी तो कोविड सिचुएशन आया, कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ रही है, लेकिन हम सब आशा करते हैं कि लीग जल्दी से जल्दी हो जाए और सभी खिलाड़ियों को मौका मिले, फ्यूचर प्लेयर को भी मिले, ताकि वो प्रोत्साहित हो, आगे जाके खेल सके अच्छे। जी सर। तो सर अब अगला क्वेश्चन है आपसे सर, कोई सजेशन और टिप्स, स्पेशल ट्रिक जो आप अपने जूनियर प्लेयर को, अपने यूथ प्लेयर को देना चाहेंगे? और सजेशन तो मेरा रहेगा ही, हमेशा रहता है कि आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि अभी एक प्लेयरों का क्या हो रहा है कि मैं अभी एक साल प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद मेरे को नेशनल या इंटरनेशनल खेलना चाहिए, ऐसा उनका माइंड में आ रहा है। बट ये कैसा रहता है, प्लेयरों का थोड़ा प्रैक्टिस तो अच्छा ही रहता है, बट उसको बहुत ही इम्प्रूव करके मुझे सबसे बेस्ट बनकर ही मेरे को नेशनल में परफॉर्मेंस देना है या इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग चांस मिलेगा, ऐसे करते हैं। बाद में डिमोटिवेट हो जाते हैं, अगर किधर चांस नहीं मिला, अगर ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो बोलते यार गेम में कुछ रहा नहीं, फायदा नहीं, ये गलत बात है। अपना मोटिव रहे और एंजॉय गेम को एंजॉय करें। एक हाँ जरूर, खो खो को करियर की नज़रिए से देखे, नो डाउट उसकी करियर होना चाहिए, करियर की नज़र से देखे, बट उतना मेहनत करे और थोड़ा सा वेट करे, आगे आपको चांसेस मिलेंगे बहुत, और आपका भी करियर हो सकता है ना। सब्र का फल मीठा होता है, तो आप मेहनत करते जाइए, सब्र कीजिए और आपको फल जरूर मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, जैसा कि आपके पास एक बचपन से लेकर अभी तक का ढेर सारे गेम का अनुभव है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका सबसे बेस्ट मैच जो आप कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि हाँ ये मेरा बेस्ट मैच है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता हूँ, तो आपका बेस्ट मैच कौन सा था जिसे आप नहीं भूल सकते हो कभी? ऐसे तो दो तीन जो मैच है मेरे लिए बहुत ही बेस्ट रहे हैं, और एक टाइम हमने महाराष्ट्र को टीम हराया था गोवा में नेशनल्स में, वो रेड जोन में, फर्स्ट टाइम कोल्हापुर टीम ने गोल्ड मेडल जीता था रेड जोन में, और वो मैच मोमेंट में भूल नहीं सकता, क्योंकि हम वो विनिंग हो गए थे। फिर हमारे इधर भाई ने रूपक चषक रहता है महाराष्ट्र में, वो मोमेंट मेरे लिए हमेशा प्राउड रहेगा, क्योंकि तो लगातार दो साल मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस के अवार्ड मिला था, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसा था कि कुछ परेशानियां आ रही थी गेम के बारे में, कि स्ट्रगलिंग हो रहा था कि खेले या ना खेले आगे, तो उसी टाइम में आप बेस्ट करते हो ना, तो आप खुद को साबित करते हो, और वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट है सर। लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहती है, गेम में भी कई कई बार चांस नहीं मिलता था, बट खुद को प्रूव करने का चांस मिलकर आप प्रूव करते हो, तब वो जो खुशी मिलती है ना, वो बहुत अच्छी रहती है। जी सर। तो एक नॉर्मल सा जो हमारा इंटरेक्शन था उसका क्वेश्चन खत्म होता है सर यहाँ पे,
और एक मजेदार और फन टाइप से एक रैपिड फायर क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें 10-15 क्वेश्चन रहेंगे। यस यस तो लेट्स स्टार्ट सर। यस सर, आपका फेवरेट क्या है, स्काई डाइव, पोल डाइव, स्प्रिंटिंग, डॉजिंग? जजमेंट को। यस सर। आपका फेवरेट जर्सी नंबर और इसका रीजन? फेवरेट जर्सी नंबर 1। रीजन इसके पीछे? मैं हमेशा नंबर 1 बनना चाहता हूं। दैट्स द स्पिरिट सर। सर आपका फेवरेट प्लेयर? अभी रिसेंटली या पुराना? कोई भी सर। जो मेरे क्लब के एक सीनियर प्लेयर थे अतुल लमोटे रॉबिन करके, तो वो मेरा फेवरेट था, क्योंकि उससे मेरे को बहुत भी सिखाया भी है और उससे साथ मैंने प्रैक्टिस भी की और मैं उसको आइकॉन मानता था, तो मैं उसकी तरह से खेलना चाहता था, तो उससे बहुत प्रेरित होकर मैं गेम में आया। जी सर। आपका फेवरेट टीम सर? 11 संग। कोई भी बड़े मैच से पहले नर्वस होते हैं सर? नहीं, मैं ज्यादातर मेरे को नर्वसनेस ऐसा फील नहीं होता था शुरू शुरू में, जब होता था ऐसे कि नर्वसनेस जब स्टार्टअप था, बाद में ऐसा नर्वसनेस कभी फील नहीं हुआ। जो भी है मेरे पास, मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस बहुत रहता है खुद का, और मैं परफॉर्मेंस करूंगा ही करूंगा, ऐसे में करके ही खेल में उतरता हूँ। ऑलराउंडर है, रनिंग अगर डिफेंडिंग अगर गलत होगा तो चेजिंग करके बेस्ट दे देंगे। हाँ, अगर डिफेंड हो गया तो डिफेंड में आउट हो जाओ कोई बात नहीं, मेरे पास अटैक है। yes, वो अटैक भी मैं रिकवरी कर लूंगा, एक रहता ही है। जी सर। एक ऑलराउंडर का यही फायदा है कि डिफेंस ना चले तो अटैक चलेगा, अटैक ना चलेगा तो डिफेंस चलेगा ही चलेगा, और मैक्सिमम टाइम दोनों आना होता है, दोनों अटैकिंग एंड चेजिंग दोनों रहता है। नहीं, ये ऑलराउंडर का बहुत ही बड़ा रोल रहता है टीम में, क्योंकि उसको डिफेंड भी करना रहता है और अटैक भी करना रहता है। जी तो ऑलराउंडर की भूमिका ज्यादा पसंद है मुझे। जी सर। और इसीलिए आपको बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई थी कैप्टनशिप का सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मैट वर्सेज मड, आप कौन से ग्राउंड को पसंद करेंगे सर, मैट का ग्राउंड या मड का ग्राउंड? मैं तो हम बचपन से मट के ग्राउंड पे खेलते आए, तो खेलना मट पे मेरे को ज़्यादा पसंद है, बट इंटरनेशनल ही हम जाना चाहते हैं तो मैट पे खेलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गेम को आगे बढ़ाना है तो गेम को मैट पे खेल कर ही आगे बढ़ा जा सकता है, और उस पे इंजुरी कम होगी और ज्यादा अच्छे से खेल पाएंगे, ग्रिप भी रहेगा। मैच में इंजुरी ज्यादा है, बट ये इंजुरी कम होगी जब लोकल लेवल पे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, तभी हम मैच पे प्रैक्टिस करने लगेंगे, उसमें हमको बचपन से मट के ग्राउंड पे भी इंजुरी रहती है, मैच के ग्राउंड पे भी इंजुरी, जैसे हम मट के ग्राउंड में चेकिंग करते हैं, ये करते हैं, वो डायरेक्टली आके मैट के ग्राउंड पे करने लगेगा तो इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि मैट पे खेलना और मट पे खेलना दोनों सिचुएशन अलग है। तो मैट पे प्रैक्टिस होने से इंजरी कम हो सकती है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, आपके फेवरेट अपोनेंट टीम जिसे आप हमेशा भिड़ना चाहेंगे कोई भी टूर्नामेंट में? क्लब की रहेगी तो हम मेरे फेवरेट अपोनेंट टीम जयहित रहती है, और नेशनल्स की बात करें तो महाराष्ट्र मेरे अपोनेंट को खेलना बहुत मेरे को पसंद है। और इंटरनेशनल? इंटरनेशनल तो अभी बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश। ओके सर। अपने फर्स्ट सैलरी जो खोखो से कमाया था उसका क्या किया था सर आपने? जो मैंने फर्स्ट मेरे को आज भी याद है, मैं 2006 या 7 में मैं एक ग्राउंड, हमारा इधर लोकल टूर्नामेंट था, मैं खुद को वो सैलरी नहीं मानता, लेकिन वहाँ पे मेरे को, मैं बहुत छोटा था और सीनियर की टीम में मैं खेल रहा था, मैं शायद 9th क्लास को होगा, छोटा था, तो मेरे को वहाँ पे ना एक छोटा सा एक अच्छा डिफेंड किया था, तो इसलिए मेरे को एक 50 रुपये मिले थे, वो 50 रुपये आज मेरे को 50,000 के बराबर है,
वो 50 रुपए जो मिले थे तो जो मेरे को खुशी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता था। सर आपका फेवरेट मोटिवेशन सॉन्ग जो आप कभी भी डाउन फील करते हो या कभी आप रिलैक्स करना चाहते हो तो मोटिवेशन सॉन्ग सुनते हैं? मोटिवेशन तो मैं भाग मिल्खा भाग का गाना सुनता हूँ। जी सर। और फेवरेट मूवी है? भाग मिल्खा भाग। फेवरेट एक्टर? फरहान अख्तर। फरहान अख्तर। और आप पे कोई मूवी बने तो आप कौन से हीरो को अपने कास्ट में रोल प्ले देखना चाहेंगे सर? आमिर खान। ओके सर, तो होप जल्दी मूवी बने आप पे सर, हम लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं सर, डेफिनेटली बनेगा सर। बनना चाहिए जी सर, बनेगी सर, वी आर जस्ट होपिंग सर, ये जरूर होगा सर। अरे नहीं नहीं, बस आप सभी लोगों की दुआएं, खोखो प्रेमियों की बहुत प्यार मिला है और जो उन्होंने हमेशा मेरे को प्रेरित किया है, इसलिए बहुत थैंक यू आपको भी। और आपका आपने जो ये खोखो हमारी और आपकी हमेशा बात होती रहती है, जो आपने खोखो को एक बढ़ावा देने के लिए जो कंटेंट चालू किया है बहुत ही अच्छा है, ये सब खोखो में होना चाहिए। हमारे जो खिलाड़ी है ये इससे थोड़ा दूर भागते हैं, क्या है कि एक एथलीट को एथलीट की तरह रहो, आप खो खो खिलाड़ी हो, आप भी एक एथलीट हो जी सर। हाँ, जो बाकी के एथलीट को मिलता है, बाकी के एथलीट करते हैं, वैसे आप भी रहो जी सर। सोशल नेटवर्किंग रहेगा, ये जो है उसका यूज आप अपने गेम के लिए करो जी सर। आप खो खो प्लेयर हो जी सर, आप भी एक गेम को रिप्रेजेंट करते हो, आप भी एक नेशनल प्लेयर हो जी सर, आप भी आपकी कंट्री के लिए खेलते हो, तो आप प्लेयर हो, एक प्रोफेशनल रहो। हाँ, अपने गेम में प्रोफेशनल कम है, बट आप उस में गेम से बहुत, जो अपना अदर के खिलाड़ी है और हम खिलाड़ी है, एक ही समान है ना जी सर। और इसी तरह से अपने आप को मजबूत बनाए रखना और सभी को एक साथ लेके बढ़ना है सर। यस सर, बिल्कुल। और समाप्ति की ओर बढ़ते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, आगे के टूर्नामेंट्स के लिए आप किस तरह सोचते हैं और किस तरह आपका तैयारी चल रहा है, इसे जॉब करते हुए और एक जिम्मेदारी को निभाते हुए किस तरह से आप अपने को अपने आप को टाइम दे पाते हैं गेम के लिए? नहीं, थोड़ा जॉब करते हुए प्रैक्टिस के लिए टाइम कभी कभी कम मिलता है, बट मैं एक मान के चलता हूँ कि कभी भी प्रैक्टिस मिस करना नहीं, कभी ग्राउंड मिस करना नहीं। दिन भर एक ना एक टाइम में ग्राउंड जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा ही करूंगा, ताकि मेरे को कितना भी मेरा दिन का शेड्यूल बिजी रहे तो मैं ग्राउंड में जाऊंगा। अभी ये इंटरव्यूज के पहले ही मैं ऐसा सोचता था कि बाबा ये इंटरव्यू दे के जाओ, बट नहीं, पहले मैंने प्रेफरेंस ग्राउंड प्रैक्टिस को दिया। हमारा मैच था, मैं ग्राउंड में जाके हम मैच खेले, फिर मैच में भी थोड़ा देरी हो गई, तो नहीं, पहले आप ग्राउंड में दिन भर एक टाइम तो जाए निकाल ही सकते हो, मेरे को आधा घंटा तो निकाल के रखो ग्राउंड के लिए दिन भर। वो मैच कैसा रहा सर? हाँ, जीत गए, कांग्रेट सर। थैंक यू। आप असली खो खो चैंपियंस हो और सच में आपने वर्ल्ड चैंपियन हो सर। नहीं, ये सभी आप लोगों का प्यार है, बहुत लोगों ने हमेशा आनंद पोकाटे को प्यार दिया है, ऐसे प्यार बरकरार रखिए, शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब लोगों ने बहुत ही मेरे को सपोर्ट भी किया। सर, हमारे फेडरेशन अभी बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि अभी आगे के टाइम में अभी वर्ल्ड कप और बहुत सारे प्लानिंग चल रहे हैं, तो इस संदर्भ में हमारे फेडरेशन जितना मेहनत करते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, कभी भी जो हमारी आज की फेडरेशन काम कर रही है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि वो बहुत ही खो खो को आगे लेके जा रहे हैं। मैंने 3-4 साल में इतना खो खो को डेवलप होते, इतना फास्ट खो खो को डेवलप होते नहीं देखा था। मैं अभी 15-16 साल हम खो खो खेल रहे हैं, बट पहले हम नेशनल तक ही सीमित थे,
नेशनल खेलो बस करो, उसके बाद कुछ मिलता नहीं था खिलाड़ियों को, फिर अगले साल की लिए ही नेशनल के लिए हम रेडी रहते थे। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है कि अभी नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, अभी कोचिंग कैंप लग रहा है और इंडिया का कैंप लग रहा है, ऐसे ऐसे इवेंट्स होते रह रहे हैं। अभी अल्टीमेट लीग आ रही है, तो ये खोखो अभी आने के लिए, आने वाले खोखो प्लेयर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी फेडरेशन हमारे लिए इतना सारा काम कर रही है। जी सर, तो हमारे रोहित सर, मित्तल सर, सुधांशु सर, ये सभी कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छा। बिल्कुल, ये जो लोग है वो मैं खुद देखा हूँ कि ये बहुत सारा काम कर रहे हैं खोखो के लिए, और भगवान उनको ऐसे ही शक्ति दे, ऐसे ही काम करते रहे और अपने खोखो को आगे बहुत लेके जाए। पूरे वर्ल्ड में खोखो गेम इतना फेमस हो, जल्दी एशियाड में तो आ चुका है और जल्दी अपना गेम ओलंपिक में, ओलंपिक तक जाए। जी सर, हमारे अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन के सचिव रोहित सर ट्राई कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ओलंपिक में जल्दी चल जाएगी हमारी गेम्स। नहीं नहीं बिल्कुल रोहित जी, उनको बहुत ही शुभकामनाएं मेरी तरफ से। कभी भी हमारे को बोलो हेल्प लगेगी, हम खोखो के लिए कुछ कर सके तो हम हमेशा रेडी रहेंगे। जी सर, तो सर अब विदा लेने का समय है, इसके लिए आप हमारे द खो टॉक शो पे कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ हमारा खो टॉक कैसा लगता है आपको, खोखो चैंपियंस का वर्क कैसा लगता है आपको? बिल्कुल एक सही है और बहुत ही अच्छा है। आपने सेकंड एपिसोड के लिए बोला था तो उस टाइम में थोड़ा बिजी था और तो सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम सर, दैट्स माय प्लेजर कि आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाले हमारे लिए सर, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं था, मैं उसी टाइम थोड़ा गांव में आया था, पुणे से ट्रैवलिंग कर रहा, उसी टाइम मेरे को दो ही दिन मिलते, और क्योंकि मैं अभी जॉब पुणे में करता हूँ, पुणे दो तीन दिन मिलते हैं घर में आने के लिए संडे का, तो संडे में उस टाइम बहुत ही घर का भी काम चल रहा था तो उस टाइम रेजिस्ट्रेशन में हो नहीं पाया मेरे को। आगे के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही खो खो को बढ़ावा देते रहे और आपको भी अच्छी जो आपका ये शो हो रहा है उसको एक वर्ल्ड फेमस हो जाए। थैंक यू सर, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको जितना आगे बढ़ा सके, अपना बेस्ट देते हुए इसको आगे बढ़ाएं सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से। थैंक यू सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस वैल्यूएबल टाइम सर। अभी रात के अभी एपिसोड में बताना चाहेंगे, अभी रात के 11:13 हो रहे हैं और सर हमारे लिए अभी तक जगह पर इतना टाइम दे रहे हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट फॉर एवरीवन। आप खेलो खोखो, खेलो और आगे बढ़ो। खो एनीवेयर, खो एवरीवेयर, खो एवरीवेयर। यस सर, यस एवरीवेयर। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।